नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से, जहां पर होशंगाबाद से युवती का अपहरण हुआ। ये बड़ी जानकारी, युवती के भाई के दोस्त ने मदद मांगी, ट्विटर पर मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई गई और मुख्यमंत्री कार्यालय ने ज्ञापन दिया। ये बड़ी जानकारी, तो मुख्यमंत्री कार्यालय से भी मदद का भरोसा दिया गया है। भोपाल से ये बड़ी खबर, जहां पर होशंगाबाद से युवती का अपहरण हुआ, जिसके बाद युवती ने ट्वीट करते हुए मदद मांगी। युवती के भाई ने ये मदद मांगी है, जिसके बाद ऑफिस से, मुख्यमंत्री ऑफिस से भी पूरे मामले का संज्ञान लिया गया और जल्द ही मदद का भरोसा भी दिया। आपको बता दें कि अपहरण हुई युवती के भाई ने ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बृजेश जैन हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। जी बृजेश, किस वक्त ये अपहरण की घटना को अंजाम दिया गया और फिलहाल मुख्यमंत्री कार्यालय से किस चीज को लेकर संज्ञान लिया गया है और कब तक पुलिस ने कहा है कि इस पूरे मामले में पता लगा पाएंगे? बिल्कुल, देखिए होशंगाबाद का ये पूरा मामला है, कल का मामला है। कल एक युवती अपने घर से अचानक लापता हो गई थी और इसके बाद आरोप लगे कि युवती का अपहरण कर लिया गया है। युवती का फोन भी बंद आ रहा था, इसके बाद परिजनों ने उसको खोजने की कोशिश की लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। और इसके बाद पुलिस को भी सूचना दी गई लेकिन पुलिस द्वारा कोई तत्परता नहीं दिखाई गई, जिसके बाद युवती के जो भाई था उसके दोस्त ने एक ट्विटर पर एक ट्वीट किया। इसमें सीएम कार्यालय को टैग किया गया था और मदद की गुहार लगाई गई थी। साथ ही लोकेशन भी दी गई थी कि होशंगाबाद से अहमदाबाद के हाईवे नंबर 43 पर गाड़ी जा रही है और ये लोकेशन उस दिशा में दिखा रहा है, मदद की गुहार लगाई गई थी। इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से रिप्लाई आया, उन्होंने टैग करने वाले जो युवक था उसकी पूरी डिटेल मांगी और ये कहा कि डीएम से संपर्क कर ले। डीएम को मैसेज कर दिया गया है, न सिर्फ युवक को रिप्लाई दिया गया बल्कि जो होशंगाबाद के कलेक्टर हैं उनको भी निर्देशित सीएम की तरफ से किया गया, सीएम कार्यालय की तरफ से, कि युवक की पूरी मदद की जाए। मोनिका, ब्रिजेश, अभी युवती के परिजनों का क्या कुछ कहना है? हालांकि युवती का अभी पता नहीं लग पाया क्योंकि ठीक एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल रही थी, लेकिन युवती के परिजनों का यही कहना है कि हेल्प उनको कलेक्टर की तरफ से मिली थी, कलेक्टर का रिप्लाई भी आया, मदद पुलिस द्वारा फिर तत्परता से की गई। हालांकि पुलिस अभी भी यही आश्वासन दे रही है मोनिका कि जल्द ही युवती का पता लगा लिया जाएगा। अहमदाबाद की साइड की लोकेशन बताई जा रही है और पुलिस की टीम इस बारे में कार्रवाई कर रही है। ठीक ब्रिजेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।